हेलो गाइस, दोनों चैनल माय सेल्फ आशीष फ्रॉम मिस एमएस जयपुर। और गाइस, जब अपन आया नेक्स्ट वीडियो, दैट इज फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, या समझो यार। देखो, मैंने आपको थोड़ी टाइम पहले बताया था, अपन एक्चुअली फार्माकोथेरेपी देख रहे थे। मैंने आपको क्या बताया था कि भाई ड्रग की नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है, बट सिर्फ ड्रग की नॉलेज से आप इलाज नहीं कर सकते। करेक्ट, मान लो आपको पेशेंट की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है, पेशेंट की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में वो डिसीज कौन सी है जिसमें कौन सी ड्रग देनी है। भाई, कोई एक डिसीज के अंदर डी टू ड्रग लगी, कोई एक डिसीज में डी सी लगेगी। कहने का क्या मतलब है, लेट्स से एक डी टू ड्रग लग रही है सारे पेशेंट को, एक एक बीमारी है, कोई भी बीमारी ले लो ना यार, कोई एक बीमारी है, ठीक है ना, और सारी तीनों पेशेंट को एक बीमारी का। मैंने डी टू ड्रग चूज की, मैंने वो डी टू ड्रग दी पी वन को, पेशेंट वन को, वो ठीक हो गया, पेशेंट टू को दी ठीक हो गया, पेशेंट थ्री को दी नहीं ठीक हुआ, ठीक है ना। तो क्या ये पेशेंट से एक्सेप्शन है? नहीं। यही मेरे को आपको समझाना है कि भाई सेम डोज अगर ड्रग दो, ये सेम ड्रग दो, ये सेम डोज ऑफ अ ड्रग दो, फिर भी अगर आपको एक किसी पेशेंट के अंदर अलग रिस्पॉन्स दिखे, तो इसको कभी भी फार्माकोलॉजी में, ये मेडिसिन के अंदर, एक्सेप्शनल मत समझना। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल है, ऐसा होता है। अब क्या क्या चीज़ों पर डिपेंड करता है कि एक ड्रग कौन सी देनी है, इस टॉपिक को अपन कहते हैं फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन। कि भाई ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये ड्रग को अपन को मॉडिफाई करना पड़ रहा है, ये ड्रग अपना वर्क नहीं कर रही, राइट? मेरी बात आई समझ में? तो ये चीज अब अपन पढ़ेंगे कि ये पेशेंट के कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पे ये लॉजिक डिपेंड करता है, राइट? तो एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ लिखूँ? नहीं, हाँ यहीं लिखते जाएंगे ना अपन, सही? हाँ यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी साइज से। करेक्ट, बॉडी साइज। भाई बॉडी साइज का बहुत बड़ा रोल है। क्यों भाई? एक मान लो एक साइट ऑफ एक्शन है, तो वहां पे कितना ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन है बॉडी साइज पर डिपेंड करता है। बेसिकली अपन जितनी भी दवाइयां लिखते हैं, ठीक है ना, बॉडी साइज, ठीक है ना, तो बेसिकली अपन जितनी भी दवाइयां लिखते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं अपन मीडियम बिल्ट इंसान के लिए लिखते हैं। अगर मान लो कोई बहुत ही मोटा है, ठीक है ना, कोई बहुत मोटा है या कोई बहुत पतला है, उसके लिए दवाइयां नहीं लिखते, वो उसके अकॉर्डिंग डोज फिक्स नहीं किया होता। मेरी बात आ रही है समझ में? एक सेकेंड ना। हाँ, तो जो बहुत ही लाइक एवरेज एवरेज बिल्ट है, मीडियम बिल्ड इंसान है, उसके लिए दवाई लिखते हैं, क्योंकि उसी से एक्चुअली बॉडी साइज का बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई बहुत मोटा है, ठीक है ना, तो उसके लिए डोज हमेशा ज़्यादा लगेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि अपन कोई भी बॉडी साइज की जो डोज है वो हमेशा बॉडी वेट पे कैलकुलेट करते हैं। वैसे यार, अगर मैं आपको बात बताऊँ तो बॉडी सरफेस एरिया वैसे ज़्यादा अच्छा तरीका है डोज को कैलकुलेट करने के लिए। करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली बॉडी सरफेस एरिया ही है जो टोटल बॉडी वाटर है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, वो सब कहीं ना कहीं बॉडी सरफेस एरिया से पैरेलल चलती है। बट बॉडी सरफेस एरिया को थोड़ा सा कैलकुलेट करना लिटिल डिफिकल्ट है, इसलिए हर चीज के लिए कैलकुलेट नहीं करते। कुछ ही ड्रग है जिनके लिए कैलकुलेट किया जा सकता है। लेट्स से जैसे एंटी कैंसर ड्रग्स है, ये जो दवाइयां देते हैं ये अपन बॉडी सरफेस एरिया से कैलकुलेट करके देते हैं कि कितना डोज देना है एंटी कैंसर ड्रग का। बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द चीजें बॉडी वेट के अकॉर्डिंग देते हैं। बॉडी वेट ज्यादा होता है तो जनरली डोज ज्यादा दी जाती है, कम होता है तो कम दी जाती है। आई मेरी पसंद में, तो बॉडी साइज का इस तरीके से रोल है। सेकेंड अगर अपन बात करें तो है एज ऑफ द पेशेंट की। भाई एज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ऐसा नहीं समझे कि लेट्स से अगर मैं एज की बात करूं, अगर चिल्ड्रन की बात करें, राइट, तो कभी भी ये गलत फहमी ना पाले कि चिल्ड्रन छोटे अडल्ट है, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो चाइल्ड डोज भी एक्चुअली बॉडी वेट पे कैलकुलेट किया जाता है, राइट। उनको छोटा अडल्ट नहीं माने क्योंकि उनके अंदर बहुत फिजियोलॉजिकल डिफरेंस होते हैं। इसी कारण से इनफैक्ट एक ब्रांच है मेडिसिन मेडिकल के अंदर, ठीक है ना, अपनी जो मेडिकल सिस्टम है उसे अपन कहते हैं पीडियाट्रिक्स। मेडिसिन जनरली अडल्ट्स के लिए होती है, पीडियाट्रिक्स बच्चों के लिए होती है। तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिफरेंस से बड़ा फर्क पड़ता है। कहने का मतलब, लेट्स से अगर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन की बात करूँ, तो बच्चों के अंदर जनरली एब्जॉर्प्शन स्लो होता है क्योंकि ऑलरेडी उनकी लाइक जो इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टाइम है वो ज़्यादा है और गैस्ट्रिक एसिडिटी कम होती है, तो उनके अंदर एब्जॉर्प्शन हमेशा स्लो होता है, ठीक है। बट आप देखोगे जनरली अपन ना, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, इसके ब्राइटनेस में फ़र्क आ रहा है, नहीं? तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो जनरली बच्चों के अंदर है ना, एक तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन वैसे वीक होता है, तो आप कभी भी देखना अपन टैबलेट नहीं देते, अपने हमेशा अपन सिरप देते हैं। अगर आपने देखा हो बच्चों में सिरप देते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि रेक्टल एब्जॉर्प्शन बच्चों में काफी अच्छे से पता चल जाता है। जो भी रेक्टल एब्जॉर्प्शन है ना बच्चों के अंदर, रेक्टल एब्जॉर्प्शन काफी फास्ट होता है, काफी प्रिडिक्टेबल होता है, राइट। इसी वजह से अपन डायजीपाम का सोल्यूशन देते हैं अगर बच्चों को सीजर्स आते हैं, ठीक है ना, फेब्रिल सीजर्स आते हैं, तो डायजीपाम सोल्यूशन देते हैं,
रेक्टल रूट से, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में इन फेब्रिल सीजर्स। अगर चिल्ड्रन 5 साल से कम का है तो अपन जनरली रेक्टल डायजेपाम देते हैं, करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मैंने आपको वही बताया कि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग अपन डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो नॉर्मल सी बात है यार, बच्चों के अंदर मेटाबॉलिक, जैसे हिपेटिक, जैसे मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक सिस्टम है, जैसे लेट से लिवर मेटाबॉलाइजिंग मेटाबॉलाइजिंग सिस्टम जो है वो काफ़ी वीक रहता है। और इसी वजह से यही रीज़न है कि जैसे अपन अगर मान लो अपना क्लोराम फेनिकॉल ज़्यादा दे दिया, ठीक है, वैसे एक तो जो हिपेटिक मेटाबॉलिक सिस्टम है वो वीक है, तो वो एक्चुअली ग्रे बेबी सिंड्रोम कर सकता है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। यही फैक्टर्स है जो मॉडिफाई करते हैं ड्रग एक्शन को, मेरी बात आ रही समझ में? और एक्सक्रीशन की भी बात करें, लेट्स से अगर कोई ड्रग रीनल रूट से एक्सक्रीट हो रही है तो बेसिकली बच्चों में GFR कम होता है, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट भी काफ़ी इमेच्योर होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से जैसे कोई ड्रग होगी, जैसे जेंटामाइसिन होगी, पेनिसिलिन हो गई, ठीक है ना, ये भी कम होता है, मेटाबॉलिज्म भी कम होता है, राइट। तो ये जो ड्रग्स हो गई ये मतलब 3 से 5 गुना ज़्यादा टाइम लेती है एक्सक्रीट होने में, तो अपन को उनको डोज को कम देना पड़ता है। और अगर अपन ब्लड ब्रेन बैरियर की बात करें तो वो भी बच्चों में काफ़ी वीक होता है, इमेच्योर होता है, तो इसी वजह से अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन में ड्रग दी और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गई तो बेसिकली कनेक्टेटस देखने को मिल सकता है बच्चों के अंदर। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप ऐसे नशा नशे में कोई भी दवाई नहीं दे सकते, लॉजिक्स पे चीज़ें चलती है, राइट। उसके बाद जब लेकिन बच्चा, जैसे जनरली 1 साल के नीचे नीचे के बच्चे की बात होती है, अगर बच्चा 1 साल से ऊपर होता है तो उल्टा उनका मेटाबॉलिक सिस्टम और तेज़ हो जाता है। तो अगर कुछ कुछ दवाइयाँ ऐसी जो ज़्यादा देनी पड़ती है बच्चों में, पॉइंट ही है। और एक और चीज़, एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो भी बच्चों में काफ़ी ज़्यादा रहता है ना, तो एडवर्स इफेक्ट जो भी है ना वो भी बच्चों में बहुत ज़्यादा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक बहुत कॉमन सा और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, एक क्लास ऑफ एंटीबायोटिक है, तो ये एक्चुअली डिस्कलरेशन ऑफ टीथ करा देता है, ठीक है ना। तो डिस्कलरेशन ऑफ टीथ, तो ये तो बहुत सारी ऐसे एडवर्स इफेक्ट है। जैसे मान लो आपने एंड्रोजन दिया कम एज में एक तो बच्चे को, ठीक है, तो आपको मालूम है एंड्रोजन एक्चुअली क्या करेगा, एपिफाइसिस का फ्यूजन करा देगा, तो बच्चा छोटा रह जाएगा, राइट। ये सब चीज़ अपने एंडोक्राइन फिजियोलॉजी में पढ़ी थी, याद नहीं होगी, याद मुझसे जिसने पढ़ा था उसको पक्का याद होगी, मैंने आपको तब भी कहा था आशीष अगर पढ़ा रहा है ना तो आपको पूरी MBBS में काम आएगा। मैं आज भी कहता हूँ, आज भी अगर आप लोग मुझसे फार्मा पढ़ रहे हो ना, आपको बाद में जाके समझ में आएगा फार्मा कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फार्मा की नॉलेज गायनी में लगेगी, ऑब्स्टेट्रिक्स में लगेगी, मेडिसिन में लगेगी, सर्जरी में लगेगी, पीडियाट्रिक्स में लगेगी, सब जगह लगेगी, यही तो बात है बस, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हो गए, तो ये स्टेरॉइड्स भी बच्चों को नहीं दिया जाता क्योंकि ग्रोथ ऑफ कोर्स रुक जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे मैंने आपको चिल्ड्रन के नज़रिए से बताया। अगर मैं मान लो कोई एल्डरली इंसान है, ठीक है ना, तो लेट्स से कोई एल्डरली इंसान है, ठीक है, तो वहाँ पे भी चीज़ें ऐसी नहीं चलती कि भाई बड़ा है तो बड़ा एडल्ट मान लो, चिल्ड्रन है तो छोटा एडल्ट मान लो, वहाँ पे भी बड़े फिजियोलॉजिकल फंक्शन में डिफरेंस है। अगर जैसे मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन की, अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन यहाँ पे भी कम होता है क्योंकि ऑफकोर्स गट मोर्टिलिटी कम हो जाती है, ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इनकी कम हो जाती है, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा एल्बुमिन कम है, राइट। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल, जैसे अपन स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि 1 ग्राम देते हैं एडल्ट के अंदर, 50 साल की एज आते आते वो 0.75 ग्राम तक लानी पड़ती है, और 75 साल की एज आते आते, ठीक है ना, वो अपन देते 0.50 ग्राम तक। तो ये बड़ा फर्क है, ये नहीं कि एल्डर है तो मतलब चीज़ें डिफरेंट डिफर नहीं करती, ये भी वो डिफर करती है, इसीलिए इसकी भी एक ब्रांच है जैसे अपन कहते हैं जीरेट्रिक मेडिसिन। भाई मेडिसिन में एडल्ट देखते हैं, आजकल ये नई नई ब्रांच निकली है जीरेट्रिक मेडिसिन, इसके अंदर PG होती है, राइट। तो एल्डरली के लिए कि भाई जो एल्डरली एज के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो जीरेट्रिक मेडिसिन का जो डॉक्टर होगा वो डील करेगा, तो इस फिलोसॉफी के साथ निकली है, ठीक है। तो एज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तीसरा है, अगर मैं रोल बताऊँ तो सेक्स वो नहीं सेक्स जो आप सोच रहे हो। सेक्स की बात करें तो मेल और फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनका भी बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फीमेल की बात करें तो जनरली फीमेल का जो बॉडी साइज होता है वो कंपेयर टू द मेल छोटा होता है, तो ऑफकोर्स डोज भी इस वजह से थोड़ी कम, जैसे अगर कोई भी डोज की रेंज है मान लो 10 to 15 अगर मैं डोज की रेंज कह रहा हूँ तो मिलीग्राम लेट से, तो 10 जनरली फीमेल को दी जाती है, कहने का मतलब ये है, राइट। इस तरीके से चीज़ें चलती है। और ऑफकोर्स फीमेल के अंदर फिर अपन को बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है कि भाई फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग ड्रग्स देनी पड़ेगी ना, लैक्टेशन लैक्टेशन में है कि नहीं, प्रेगनेंसी है कि नहीं, भाई प्रेगनेंसी के लिए भी अलग दवाइयाँ होती है क्योंकि फीटस को डिस्टर्ब कर सकती है, जैसे कि उन ड्रग्स को अपन कहता है टेराटोजेनिक ड्रग्स अगर फीटल एनोमलीज क्रिएट कर रही है, तो ये सेक्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे मेरी बात समझ में?
तो बॉडी साइज का फर्क है, एज का फर्क है, ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो ड्रग एक्शन को मॉडिफाई करते हैं। सेक्स, सेक्स से भी फर्क पड़ता है। अगला रेस एंड स्पीशीज का भी फर्क है, रेस एंड स्पीशीज भाई, क्योंकि जितनी भी आप ड्रग बना रहे हो वो कहीं ना कहीं पहले एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट होती है, ठीक है, तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई स्पीशीज स्पीशीज का फर्क आता है। जैसे अगर आप रैबिट की बात करो तो रैबिट 100% टॉलरेंट है एट्रोपिन के लिए, बहुत ज्यादा टॉलरेंट है, ठीक है, एट्रोपिन के लिए। अगर चूहों की बात करें जिन पे अपन कर रहे हैं, तो वो डिजिटलिस या कैलोडिजॉक्सिन के लिए टॉलरेंट है, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा रोल आता है। इनफैक्ट अगर एक ही स्पीशीज की बात करें जैसे ह्यूमंस, तो उसके अंदर रेस का फर्क आता है। जैसे जो ब्लैक है और एक मंगोलियन से, ठीक है ना, इनका बड़ा फर्क है। तो अगर जैसे मान लो इनका पीपल डायलेट करना है, तो ब्लैक के अंदर ज्यादा डोज चाहिए होती है एट्रोपिन की, ठीक है ना, और मंगोल्स के अंदर एट्रोपिन की कम डोज चाहिए होती है पीपल को डायलेट करने के लिए। समझ गए मेरी बात? ये सब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली आपको इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा भी लिखोगे तो आपका काम हो जाएगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम में पूछते हैं। तो रेस एंड स्पीशीज का भी फर्क पड़ता है। अगला फर्क अगर अपन देखेंगे तो वो पड़ता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। ये बात तो मैंने आपको बता भी रखी, आपको पता होगा, ठीक है, मैंने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे अपन एक वीडियो देखी थी कि अलग अलग रूट्स अगर आप दवाई दोगे तो बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या ही देखेंगे, आपको पता है, जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो लेट्स से MgSO4 है, ठीक है ना, मैग्नीशियम सल्फेट, तो अलग अलग रूट से अलग अलग फर्क पड़ेगा। अगर अपन इसको ओरली देते तो अपन जनरली से परगेशन के लिए देते हैं, परगेशन मतलब इवैक्यूएशन ऑफ द बॉवल, मतलब क्लीनिंग करना बॉवल की, ठीक है। अगर आप इसे जॉइंट्स पे लगा रहे हो, एक सेकेंड ना बच्चे मेरा, ठीक है, तो हाँ सॉरी है, मकान मालकिन आ गई थी पैसे लेने, बच्चों किराया किराया देना पड़ता है ना, फ्री में नहीं रोकते ना। तो अगर मान लो आप जॉइंट्स पे लगा रहे हो तो एक्चुअली ये स्वेलिंग को कम कर देता है। तो इस तरीके से तो अलग अलग रूट अलग अलग फंक्शन कर रहा है। अगर आप आईवी दे रहे हो, ठीक है, तो ये CNS डिप्रेशन करता है, हाइपोटेंशन लाता है, ठीक है ना, बीपी कम करता है, इसीलिए अपन इसको एक्लेम्पशिक, जो प्री एक्लेम्पशिक पेशेंट्स है ना, एक्लेम्पशिया प्रिवेंट करने के लिए भी देते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, अगर बीपी ज़्यादा है फीमेल का, तो MgSO4 आईवी रूट से दिया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग रिजल्ट लाते हैं, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन, राइट। अगले की बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं CHC पे बैठा था, ठीक है, मेरी इंटर्नशिप चल रही है ना, तो कम्युनिटी मेडिसिन में पोस्टिंग है, तो मैं CHC पे बैठा था, तो वहाँ पे एक अम्मा आई, ठीक है, वो कहती है कि मुझे यार चक्कर आ रहे और पेट दर्द हो रहा है, तो एब्डोमिनल पेन, फीवर आ रहा है, सब हो रहा है मुझे, राइट। मैंने ये सुना तो मुझे लगा बेसिकली एक एल्डरली वीमेन है, तो अपन को बेसिकली उसका सबसे पहले तो बीपी चेक कराओ कि भाई सिंपल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बीपी तो सबसे पहले चेक होना चाहिए। तो मैंने लिखा एडवाइस बीपी और वो बीपी चेक करा के, वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ बीपी चेक करता है, राइट। तो उन्होंने बीपी चेक किया तो सब नॉर्मल आया, मैं सोचा बीपी नॉर्मल है तो बेसिक दवाई देते थे, एब्डोमिनल पेन के लिए डायसाइक्लोमिन और फीवर के लिए पैरासीटामोल, तो बेसिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं दवाई लिख रहा था, तो वो अम्मा मुझे बता रही, नहीं नहीं यार मुझे एडमिट करो, मैं भर्ती होंगी तभी ठीक होगा। तो मेरे को तो समझ नहीं आया, फिर वो बॉस आए जो वहाँ पे एमओ थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ आपको एडमिट ही करना पड़ेगा, ये बड़ा ऐसे दिक्कत का काम है, आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने बोला बॉस पर दिक्कत तो मुझे तो अभी तक कुछ दिख नहीं रही, इनको कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, अभी गर्मी चल रही है तो कुछ हुआ होगा, चक्कर आ रहा होगा, पेट दर्द हो रहा होगा, कुछ गलत खा लिया होगा, बेसिक फूड पॉइजनिंग हुई होगी। तो बॉस बोले इसको कुछ नहीं हुआ है, ना इसके पेट में दर्द है ना इसको चक्कर आ रहा है, बस ये ऐसे CHC आ जाती है हर 4 महीने में 6 महीने में, और इसको बेसिकली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि इसको जब एडमिट करोगे ना तभी ये ठीक होगी, ठीक है, भले एडमिट के अंदर आप दूसरी दवाई दे रहे हो। तो इस चीज को अपन कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, है मेरी बात समझ में? तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक ड्रग मॉडिफाइंग एक्शन की तरह वर्क करता है। तो बेसिकली उस औरत को कुछ नहीं था, उसको प्लेसिबो है और उसको मालूम है कि मुझे वो वाला इंजेक्शन लगाओ, मुझे भर्ती करो तभी मैं ठीक होऊंगी, अदरवाइज उसको फिर चक्कर सच में आने लग जाएंगे। समझ लो मेरा पॉइंट ये था, तो यही मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है साइकोलॉजिकल फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये भी पेशेंट की बिलीफ क्या है, पेशेंट क्या सोचता है, पेशेंट की क्या एक्सपेक्टेशन है, डॉक्टर का क्या एटीट्यूड है उस चीज़ को पेशेंट को ड्रग प्रिस्क्राइब करते टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कॉन्फिडेंटली एज अ कॉन्फिडेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करोगे तो पेशेंट पे असर भी करती है, जबकि वो दवाई जनरली कोई एक्टिव कंपोनेंट नहीं है उसके अंदर, कोई फार्माकोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट नहीं है, तभी वो दवाई असर कर जाती है। तो इसे अपन कहते हैं साइकोलॉजिकली अपन को पेशेंट को ठीक करना। देखो एक तो होता है कि ड्रग आप फार्माकोडायनेमिकली ठीक कर रहे हो, एक होता है साइकोडायनेमिकली ठीक कर देना इलाज, मतलब साइकोडायनेमिकली रूट से ठीक कर देना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये कला भी आपको आनी चाहिए, इसे अपन कहते हैं प्लेसिबो। तो बेसिकली
अगर आप देखोगे तो प्लेसिबो दो जगह पे यूज होता है, ठीक है। एक तो अभी आपको दिख ही रहा है कि भाई पेशेंट को ट्रीट करने में यूज होता ही है, करेक्ट। एक होता है कंट्रोल के अंदर भी, जैसे अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एनिमल्स के ऊपर, तो एक एनिमल को अपन प्लेसिबो देते हैं और एक पे अपन वर्क करते हैं एंड देन रिजल्ट को कंपेयर करते हैं, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को ट्रीट करने के लिए और कंट्रोल के लिए भी यूज होता है। पर ये मत समझना कि प्लेसिबो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाते नहीं है, ऑफकोर्स लाते हैं। अगर आप किसी को प्लेसिबो दे रहे हो, ठीक है, तो उसका ब्रेन हमेशा एंडोर्फिन रिलीज करता है और पेशेंट का एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है, पेन कम होता है, उसको अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि फिजिशियन का एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल्स एक पेशेंट में जाते हैं और फाइनली एक प्लेसिबो इफेक्ट देखने को मिलता है। बट पॉइंट ये भी है कि प्लेसिबो इफेक्ट भी बहुत वेरिएबल इफेक्ट शो कर सकता है एक पेशेंट में। लेट से एक पेशेंट आई, उसको मालूम है कि उसको नींद की गोली चाहिए, राइट, ठीक है। आपने उसको प्लेसिबो इफेक्ट दे दिया, ठीक है, नींद की गोली नहीं दी, प्लेसिबो इफेक्ट दे दिया, ठीक है। तो पहली रात तो उसको अच्छी नींद आएगी, बट धीरे धीरे उसको नींद नहीं आएगी। तो प्लेसिबो इफेक्ट की भी अपनी एक लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि उसको फार्माकोथेरेपेटिक्स या थेरेपेटिकली बहुत बार यूज किया जाता है। एक पेशेंट को पता चल जाता है कि इससे तो नींद नहीं आ रही, बट पहले दिन वो उसको नींद आ जाएगी। तो प्लेसिबो का भी अपना स्टाइल है। अगर अपन ड्रग्स की बात करें तो प्लेसिबो में कौन कौन से ड्रग दे सकते हैं, जैसे लैक्टोज हो गया, मीठी मीठी गोलियां। अपन डायलॉग में भी कहते हैं ना भाई, कहते हैं ना भाई अपन घूमने चलेंगे, तो दूसरा दोस्त कहता है हाँ भाई गोवा का ट्रिप बनाओ, गोवा का ट्रिप बनाओ, तो नहीं कहता भाई तुम तो मीठी मीठी गोली मत दे देना। तो बेसिकली उसका मतलब है प्लेसिबो है भाई, तुमसे पागल तो नहीं बना रहा। तो इसके अंदर आप लैक्टोज टैबलेट, लैक्टोज कैप्सूल दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको पता होता है मुझे तो पीला वाला कैप्सूल दो उसी से ठीक होऊंगा, तो अपन लैक्टोज कैप्सूल दे देते, ठीक है। इंजेक्शन, डिस्टिल वाटर इंजेक्शन दे देते, मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे देते। तो जो वो पेशेंट आई थी ना एल्डरली वुमन जिसकी बात कर रहा था, तो वो एमओ सर ने उसे एडमिट भी किया, जिद्दी पेशेंट थी, एक्चुअली जिद्दी पेशेंट नहीं थी, वो सरपंच की बीवी थी, मुझे बाद में पता चला। तो गांव के लेवल पे ये चीजें भी काम करती है, ठीक है, तो ये तो किताबों में भी नहीं लिखा। तो सरपंच की पेशेंट थी, उसको बड़ा प्लेसिबो था, तो उसको उसको लगता था कि भाई कोई दवाई दोगे तो ही ठीक होगा, तो उसको मल्टी वाइटामिन के इंजेक्शन देते थे। तो उसको ये बोलते थे कि भाई तेरा इलाज कर रहे हैं हम, ठीक है, तेरे को भर्ती कर दिया, आधा घंटा बेड ऑक्यूपाई करने के बाद, आराम करने के बाद वो ठीक हो जाती थी। तो ये वाला पॉइंट है, समझ में आया मेरी बात। तो प्लेसिबो का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ओके, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर मैंने आपको समझा दिए। अगले की अपन बात करें फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन के अंदर, अगला है पैथोलॉजिकल स्टेट्स। भाई ऐसा है कि अलग अलग पैथोलॉजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग भी दवाइयाँ देनी पड़ती है, ठीक है। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आपके लिवर में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप ऐसे कोई हवा में तो दवाई नहीं दे सकते, क्योंकि आपको सब पता होना चाहिए लिवर क्या क्या रोल प्ले कर रहा है। तो अगर अपन पैथोलॉजिकल स्टेट की बात करें, तो लेट से अगर आपके लिवर में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, लिवर के अंदर पैथोलॉजी है, ठीक है। तो लिवर के अंदर अगर पैथोलॉजी होगी तो बेसिकली अगर जैसे मान लो आपने ओरल एंटीकॉगुलेंट दिए, तो एक्चुअली इसका डोज कम रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि लिवर ही तो है जो क्लॉटिंग फैक्टर्स बना रहा है। आप एंटीकॉगुलेशन करना चाह रहे हो, आपने एक्स डोज दिया, आपने सोचा कि सही रिजल्ट आ जाएगा, बट प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्लॉटिंग फैक्टर्स कम है। आई मेरी बात समझ में? तो ओरल एंटीकोगुलेंट्स कम देने पड़ेंगे अगर लिवर का कोई पैथोलॉजी है, ठीक है। थोड़ा सा भी डायूरेसिस जो है ना, मान लो आपने थोड़ी सी डायूरेसिस दी, तो हिपेटिक एनसिफेलोपैथी कर सकता है वो। क्यों भाई? जैसे कि क्या होता है, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, मैंने आपको बताया था थायाजेड का एग्जांपल दिया था, याद है, वो भी एक डायूरेटिक ही था। तो मैंने आपको बताया था वो पोटेशियम को कम करता है, जैसे पोटेशियम को कम करता है लाइक हाइपोकैलेमिया करता है, तो जो अपना NH4+ है वो NH3 में कन्वर्ट होता है। ये NH3 फिर फाइनली एनसिफेलोपैथी कर सकता है ब्रेन के अंदर, जैसे अपन कहते हैं हेपेटिक एनसिफेलोपैथी। तो लिवर के अगर कोई डिसीज है तो अपन को ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। मान लो अगर आपको किडनी की डिसीज है, ठीक है, तो भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लो आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहे हो, राइट, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मतलब बीपी को कम करती है। तो जनरली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या करती है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन लाती है। भाई मान लो आप लेटे हुए हो, आप अचानक से खड़े हुए, तो आपका बीपी बहुत जल्दी गिर जाएगा अगर आप दवाई ववाई पे हो तो। अदरवाइज वैसे भी आपको पता है फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में भी अपन पढ़ते हैं हाइपोटेंशन, पोस्टुरल हाइपोटेंशन क्या होता है। बट अगर मान लो किडनी का डिसऑर्डर है, तो आपको हाइपोटेंसिव का डोज भी कम रखना पड़ेगा, समझ लो, वरना ज्यादा पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। थायराइड डिसीज के अंदर आपको डिजॉक्सिन का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि डिजॉक्सिन कितना क्लियर होगा बॉडी से वो थायराइड पे डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मान लो अगर आपको फीवर है, ठीक है, तो फीवर है तो एंटीपायरेटिक काम करेगी, मेरी बात समझो। आप पैरासिटामॉल ले रहे हो, आपको बुखार है तो काम करेगी, बट आपको बुखार नहीं है, आप पैरासिटामॉल ले रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? टेम्परेचर कम नहीं कर देगी, फीवर है तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाएगी। कभी आपने देखा है, जैसे कभी कभी होता है कि अपन को बुखार नहीं आता, आपने फील किया होगा, आप अपने आपको टच करोगे, आपको समझ में आ जाएगा टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, ना आपको ठंड लग रही है ना कुछ बुखार है, बट आपको फील होगा बहुत
कमजोरी है, लाइक सर्दी जुकाम है, बुखार नहीं आ रहा बट बहुत कमजोरी है, बेड से उठा भी नहीं जा रहा, तब भी अपन पैरासिटामोल लेते हैं, राइट। तो वहां पे अपन पैरासिटामोल का एंटीपायरेटिक एक्शन यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है, दूसरा एक्शन यूज करते हैं। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। पॉइंट ये है कि तब भी अगर आपने पैरासिटामोल लिया तो क्या, अगर आपको बुखार नहीं है तो क्या आपको हाइपोथर्मिया हो जाता? नहीं होता, ठीक है ना। तो वहां पे आप वो पैरासिटामोल अपना एनाल्जेसिक एक्शन शो कर रही है बॉडी एक के लिए। तो ये आपको समझा रहा था मैं आपको कि पैथोलॉजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अपन को ड्रग के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। अगला मैं बात करूं तो है टॉलरेंस, टॉलरेंस समझना, ठीक है भाई। कोई भी जो दवाई होती है ना उसका टॉलरेंस पीरियड आ जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि सारी दवाई को आप कंटिन्यूसली देते रहो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का मतलब एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स लाने के लिए डोज को बढ़ाना पड़ता है क्योंकि वो उतने डोज पर टॉलरेंस आ जाता है, ठीक है। ये कोई अलग चीज नहीं है, एक एडेप्टिव बायोलॉजिकल फिनोमेना है, बॉडी अडेप्ट कर जाती है उतने डोज से। बेलेट से आप कैसे एग्जांपल दूं, हाँ जैसे मान लो आपकी अभी अभी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है, राइट। तो आपको क्या होगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग के एक हफ्ते तो भाई आपको उससे उसके बारे में सोच करके बड़ा खुशी हो जाएगी, आपकी उससे चैट हो जाएगी ना तो ही आप खुश हो जाओगे, ठीक है। लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा, आपको उतनी खुशी पाने के लिए, ठीक है, उसको एटलीस्ट कॉल करना पड़ेगा। अब आपकी कॉल पे बात होगी ना तो आपको उतनी खुशी मिलेगी। फिर क्या होता है, वीडियो कॉल लगाते हो आप क्योंकि अब कॉल से भी मज़ा नहीं आता भाई, अब आप चाहते हो और थोड़ा सा वीडियो कॉल हो तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। फिर आप उससे पर्सनली मिलते हो, फिर लास्ट में आती है अपनी शादी, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ चैटिंग से मिल रही थी वो बाद में वीडियो कॉल पर मिल रही थी, कहने का मतलब खुशी, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, अगर नई नई गर्लफ्रेंड बनेगी तो आप लोग समझ पाओगे ये चीज़ को, है ना। जिनकी बनी होगी नई नई गर्लफ्रेंड वो समझ पा रहा होगा, सेकंड ईयर में जनरली बनने लगती है, ठीक है ना। वैसे भी बढ़िया बढ़िया जो क्रीम होती है सेकंड ईयर की, ठीक है, वो तो हमारे सीनियर ले जाते हैं ना, ऐसा बहुत लोगों की कंप्लेन है, तो इस पर एक चर्चा की जाएगी किसी दिन। बट मेरा तो यह मानना है कि आप फर्स्ट ईयर में पटा लो जो भी है आपकी गर्लफ्रेंड, जिससे भी आपको मोहब्बत हो रही है, लव एट फर्स्ट साइट, ठीक है, या फिर जिसका कैरेक्टर आपको पसंद आया, जिसकी स्माइल पसंद आए, तो उसको मतलब मिलने लग जाओ, अदरवाइज सीनियर आकर के खेल कर जाएंगे, ठीक है ना। बट पॉइंट ये कि इसे कहते हैं टॉलरेंस, कि भाई एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स लाने के लिए आपको हायर डोज देना पड़ रहा है, ठीक है। यही एग्जाम्पल है जैसे कि डायबिटीज के अंदर, ये थोड़ा डायबिटीज का एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट आप पॉइंट समझ गए ना। देखो टॉलरेंस जैसे एक नेचुरल हो सकता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि रैबिट है वो एट्रोपिन के लिए टॉलरेंट है, मेरी बात समझ में आई। तो कुछ लोग नेचुरली टॉलरेंट होते हैं, उनके अंदर कोई पॉइंट नहीं है। अब जैसे मान लो अपने दोस्त लोग हैं, ठीक है, तीन चार दोस्त बैठे, तो कोई दोस्त ऐसा होता है जो एक पैक में सेट हो जाता है, ठीक है, अल्कोहल का एक पैक में सेट हो रहा है, ठीक है। बट कुछ दोस्त ऐसे जो तीन चार पैक ले लेते, समझ में आई मेरी बात। तो जो एक पैक में सेट हो रहा है इसका मतलब जो तीन चार पैक ले रहे हैं, मतलब जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल ले रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो एक्चुअली टॉलरेंट है, उसको अल्कोहल से इतना फर्क नहीं पड़ता, तो वो नेचुरली टॉलरेंट है, ठीक है। कुछ लोग एक्वायर्ड टॉलरेंट होते हैं, जैसे दवाइयां हो गई, क्योंकि आप कोई भी दवाई बार बार यूज कर रहे हो तो टॉलरेंस आ जाता है, राइट। एक होता है क्रॉस टॉलरेंस, कि चीज कुछ और ले रहे, टॉलरेंस किसी और चीज से आ रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे फार्माकोलॉजिकली, जो बारबिट्यूरेट्स होते हैं, एनेस्थीसिया होता है, ये अल्कोहलिक्स में टॉलरेंट होते हैं। मान लो बारबिट्यूरेट आपने दिया किसी को तो वो इतना असर नहीं करेगा जो ज्यादा अल्कोहल लेता है, इसे कहते हैं क्रॉस टॉलरेंस, समझ में आई। एक होता है टैकीफिलेक्सिस, भाई कोई भी डोज आप जल्दी जल्दी बार बार देते रहोगे ना तो वो टॉलरेंस ला देगी। मान लो कोई दवाई आप ले रहे हो, ठीक है ना, तो आप रिपीटेडली लेते रहोगे ना कम कम टाइम के अंदर, तो टॉलरेंस ला देगी। एक्चुअली ये कैसे करती है, लेट्स से आप एक टायरामिन ले रहे हो, ठीक है, एक ड्रग है टायरामिन, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करती है, मैंने आपको बताया ना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते वेसाइकल से, तो वेसाइकल से एक टायरामिन आई, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर दिया, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, उसने अपना एक्शन शो कर दिया, ठीक है। फिर वापस आपने टायरामिन दे दिया, तो जब तक ये वेसाइकल वापस भरेगा नहीं, ठीक है ना, मैंने ये पूरा प्रोसेस है फिजियोलॉजिकली, मैंने सब चीज़ें बताई थी, बट पॉइंट यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ वापस, इसे टैकीफिलेक्सिस कहते हैं। भाई वापस दूसरे वेसाइकल पे काम करेगी, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएगा, जल्दी से आपने एक और दे दिया टायरामिन, वापस काम करेगी, अगर वापस एक और डोज दे दिया तब तो है ही नहीं वेसाइकल, ठीक है, तो काम कैसे करेगी। तो बेसिकली टॉलरेंस आ गया, टॉलरेंस इसलिए आया क्योंकि इतना न्यूरोट्रांसमीटर तो रिस्टोर ही नहीं हो रहा जितना जल्दी आप डोज दिए जा रहे हो, तो एक्चुअली जो स्टोर है वो डिप्लीट कर जाते हैं। एक और टॉलरेंस का एग्जांपल है ड्रग रेसिस्टेंस, ठीक है, इसका बहुत फेमस एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकाई जो है वो टॉलरेंस है पेनिसिलिन के लिए, मतलब कि एक एंटीबायोटिक आप कितनी भी दे दो अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया पेनिसिलिन फॉर द स्टेफिलोकोकस, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट है, तो ये तरह के टॉलरेंस होते हैं, आई मेरी बात समझ में, ग्रेट। ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, ठीक है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नाइन्थ एग्जाम्पल है
जो कि मैंने अभी बताया नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है फार्माकोजेनेटिक्स। तो बेसिकली अपने आप में एक टॉपिक बन सकता है, इसी वजह से मैं इसको अलग वीडियो में बना रहा हूँ, ठीक है, इसको शॉर्ट में नहीं बताएंगे। बट बेसिकली ये सारी चीज़ आप शॉर्ट में याद कर सकते हो, अगर क्वेश्चन आता है फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन तो ये सब पॉइंट लिख सकते हो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो। ये जितना भी मैंने आपको बताया ना, ये बहुत अच्छे से मैं अपने नोट्स में लिख देता हूँ, आपको सारे नोट्स एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, राइट। एंड जो भी वीडियोस भी है, इनफैक्ट क्योंकि क्या होता है यार, मैं कितनी यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि वीडियो की रीच आने में भी टाइम लगता है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते की 3 वीडियो फार्माकोलॉजी की डाल पाता हूँ। वैसे तो अपने चैनल पे 6 वीडियो आती है हर हफ्ते, है ना, और एक लाइव सेशन, तो 700 दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है, 3 बायोकेमिस्ट्री की आ रही है, 3 फार्माकोलॉजी की आ रही है, ठीक है। तो सारे लेक्चर्स अगर आपको जल्दी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वीडियो आने की एक लिमिट है, मैं ज़्यादा जल्दी नहीं डाल सकता, तो वो भी आपको एप्लीकेशन पे सारे मिल जाएंगे, तो वीडियोज नोट सब कुछ मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो काम बहुत आराम से हो ही जाएगा, आई होप आपको समझ में आया होगा। फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन आपको मजा आया समझ के, कितनी मजेदार चीज़ है ना। फार्माकोथेरेपेटिक ऐसी थोड़ी ना, फार्मा समझना और फार्माकोथेरेपी समझने में डिफरेंस है, बट मजा आ रहा होगा आई होप आप लोगों को। अगला अपन देखेंगे जेनेटिक्स। भाई जीन्स का भी बड़ा रोल रहता है कि भाई कैसे जीन्स डिसाइड करते हैं कि कौन सी ड्रग काम करेगी कौन सी ड्रग नहीं करेगी, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, ग्रेट। और एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर के चीज़ें ले सकते हो, ओके। और बस बढ़िया, बाकी तो यार है ना, वहाँ पे क्या चीज़ों को मैनेज करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे मैं बताया ना, एक समरी की वीडियो डाल देता हूँ तो वो सर्च इंजन में चली जाती है, तो लोग डिसलाइक करते हैं। अब लोगों को नहीं पता ना कि मैं तो पूरा कोर्स बना रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बन रही है, बट लोगों ने डायरेक्टली ये वीडियो देखी तो डिसलाइक करते, चैनल का पूरा रेटिंग खराब हो जाता है। तो सारी चीज़ें भी मैं एप्लीकेशन, लाइक कुछ समरी की वीडियोज़ हो गई, इस तरह का जो होता है ना कि कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट कर दिया, ये एक्चुअली एप्लीकेशन पर डालना ईजी रहता है, बट समझ गए ना आप लोग, फिजियोलॉजी में आप सब पढ़े ही हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।